ऋषभ देव जी महाराज का वर्णन भागवत में आया है। आहा, ऋषभ देव जी बड़े ही सिद्ध महात्मा, इतने सिद्ध महात्मा कि सिद्धियां इनके आगे पीछे डोलती, लेकिन ये कभी सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़े। क्यों? इन्हें पता था मान बढ़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, और स्वामी स्वामी सुनन लागे सो किस्मत उनकी फूटी। हाँ, मान बढ़ाई आती है तो माला छूट जाती। महाराज जी एक बात और बोले, महाराज जी हमारे दादा गुरु जी कहते थे, बेटा जितना ज्यादा नाम बढ़े उतनी माला तेज कर देनी चाहिए, जितना नाम बढ़े उतनी माला ज्यादा। बोले क्यों? जब नाम बढ़ता है तो फिर राम नहीं बढ़ते, काम बढ़ता है। नाम बढ़ता है ना, काम बढ़ता है, लेकिन जिसकी माला बढ़ जाती है ना भैया, उसे दुनिया में कोई हराता नहीं। ऋषभ नंदन भरत जी भय, भरत जी ने अपने बड़े पुत्र सुमति को राजपाट दिया और आप भी पिताजी की भांति भगवान का भजन करने गए। और आपकी कथा बड़ी अद्भुत है, भरत जी के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये राम जी के भरत जी नहीं है, ये दूसरे भरत जी हैं। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, और तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। एक मृगा के संग के कारण भरत जी को भी मृग बनना पड़ा। तुलसीदास जी कह रहे, भैया अब उनकी कौन गति होगी जो घर घर प्यार करत फिर रहे। भरत जी एक बार सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, उसी समय एक सिंह की धार जोर की गर्जना हुई। गर्जना को सुनकर के भरत जी चौंक गए। उसी नदी में एक हिरनी गर्भवती थी, वो पानी पी रही थी। सिंह की धार सुनकर के उस हिरनी ने अपने प्राण बचाने के लिए नदी के पार जाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन हुआ क्या, रास्ते में ही उसका गर्भपात हो गया और हिरनी उस पार जाकर के मर गई। भरत जी ने सोचा, अगर हमने हिरनी के बच्चे को नहीं बचाया, शावक को नहीं बचाया, तो पाप लगेगा, अपने हाथों में हिरनी के शावक को उठा लिया, आश्रम में ले आए, रखा। धीरे धीरे बड़ा हुआ वो, अब तो भरत जी का और हिरनी के शावक का बड़ा प्रेम हो गया। तुलसी बाबा कहते हैं, सुनो, अंते यामति, शास्त्र कहते हैं अंते यामति सागति, आपकी मृत्यु के समय जो मति होगी आपका दूसरा जन्म भी वैसा ही होगा। स्त्री का चिंतन करते करते मरोगे तो दूसरे जन्म में स्त्री बनोगे, पशु का चिंतन करते करते मरोगे दूसरे जन्म में पशु मरोगे, भगवान का भजन करते करते मरोगे तो दूसरे जन्म में भगवान ना सही भगवान का भक्त बन करके पैदा होगे। लेकिन हमको एक टेंशन है, पूछो क्या, पहले लोग घरों में गाय माता पालते थे, अब कुत्ता। अब टेंशन ये है कि आजकल आगे को लगो कुत्ता बेड लो आ गो। हमें टेंशन और कुछ नहीं है, टेंशन सिर्फ इतनी है, हम सुबह सुबह से कई बड़े आदमियों को जब बड़े शहरों में जाते हैं तो देखते हैं बड़े बड़े आदमी कुत्ता आगे मालिक पीछे। हमें समझ में नहीं आता मालिक कौन है, कुत्ता है कि पीछे वाला है। आजकल कुत्तों की इतनी डिमांड, हद होगा। पहले के जमाने में घर के बाहर लिखा जाता था अतिथि देवो भवा, श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय करें, श्री गणेश साय नमः। थोड़ा मॉडर्न जमाना आया, चौपाई लिखने लगे लोग, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीताराम हमारी, वो भी बंद। और मॉडर्न जमाना आया, अब तो उल्टा एम टांग दिया वेलकम। लेकिन आजकल ये भी नहीं लिखा जाता, आजकल तो बड़े बैनर पे टांग के लिखा जाता कुत्तों से सावधान,
समझ में नहीं आता कि ये कुत्ता है कि सबाई। आओ आओ, अच्छा कुत्ता भी आगे के लगे कई क्वालिटी के, देसी विदेशी एसी, इतने हल्के हल्के कुत्ता और कई इतने बड़े बड़े शेर से भी बड़े जोमो, अनेक प्रकार के कुत्ते। हमको टेंशन कुछ नहीं है, कुत्तों से हमारी कोई बुराई नहीं। हमको टेंशन सिर्फ इतना है कि बेड में पालने वाले कुत्तों को, गाय को बाहर निकाल दिया, कुत्तों को अंदर रख लिया और फिर कहते हैं महाराज जी कलयुग आ गया है, है? बल्कि होना ये चाहिए, गाय माता को अंदर होना चाहिए, कुत्तों को बाहर होना चाहिए। लेकिन आदमी भी कम नहीं है। एक बार एक शहर में हम बड़े अमीर घराने में कथा कर रहे थे, तो एक अमीर आदमी आया, गुरुजी घर चलिए पवित्र करिए। मैं से तो हम गए नहीं, लेकिन बहुत लगा रहा हमका जाना चाहिए। हमका ठीक है भाई, एयरपोर्ट जाएंगे तुम्हारे घर पर भी होते जाएंगे, चाय पीते जाएंगे। रास्ते में गए आरा महाराज 8-10 कुत्ता, आरती लें शिष्य भी करो कुत्ता भी भौंकत खड़े, बड़े बड़े कुत्ता, जी जी कुत्ता। हमारा तो दिमाग खराब हो गया, शरीर भीतर से कपन लगो। हमने कहा अपने राम तो गाड़ी से निकल नहीं रहा। चेला बोलो निकलिए गुरु जी, आइए आइए। अरे हमने कही कहाँ आओ, जे शेर पाले तुम, हमारे प्राण खबर है, तुम कह रहे निकलो। इतने तो लग रहा हो कि कहीं अगर कुत्तों ने धोखे से संस्कार टीवी पे हमारी कथा सुनी हुई है तो हमने इनकी इतनी बुराई करी। जी पहचान ये है जो ये आए हमारा पत्ता साफ करावे जा रहा हूँ। और तुम ऐसे कुत्ता चेला पालें कि अगर एक बार हमारी मुड़िया ये ले पाऊं तो मिक्सचर मशीन बन जाने, लौट के किसी काम है नहीं। हमने कहा हमें ना निकाला, हमने कहा अरे बोले महाराज महाराज हाँ दूसरों बोलो। तब तक उसका बच्चा बोला गुरुजी ये तो शाकाहारी है। हम कहे ये हो, हम कहे कुत्ता भी शाकाहारी होते हैं, हम की लहसुन प्याज तो नहीं खाता। जब शाकाहारी है तो लहसुन प्याज तो नहीं खा। आओ आओ हद हो गई यार भाई, कुत्ता भी शाकाहारी। बोले गुरु, उसका बेटा बोला गुरु जी ये तो शाकाहारी। हमने कहा देखो निकल तो रहे, जिम्मेवारी तुम्हारी है। चेला बोलो नहीं नहीं गुरु जी टेंशन ना लो। आओ हम गए, अब चेला तो करे आरती, हम तो देखिए कुत्तन की तरफ के अगर ना बड़े धाम ने रोड तरफ दई गदबा, अगर ना आए आओ। अब कुछ नहीं, कुत्ता थोड़ी देर भौंके हमें देख के भीतर गए, अंदर बैठे बढ़िया बड़ा आदमी, बड़ा सा कमरा, सोफा डरे बैठे, नमकीन आई, बिस्कुट आई, मखाने आए, गुरुजी पाइए। हमने कहा माए कुत्ता ही तो है, एक बिस्कुट ली, छोटा सा कुत्ता, बड़ी की तरफ तो हमारी दम ना पड़े, शरीर के हिसाब से भी नहीं, वो तो शरीर के हिसाब से आदमी देखा। हमने जब अपना शरीर देखो, ऊ को देखो, हमने कही ऊ के आधे शरीर में हमारा पूरा 6 फिट को आ जाने। हमने कहा इस लायक तो अपन है नहीं है। सो छोटा सा कुत्ता हमने देखा, सफेद सफेद, इतने इतने बार, बड़ी बड़ी बार, ब्लांट। हमने उसको देखा, हमने बिस्कुट लिया, हमने कहा लो खाओ खाओ। बहुत देर तक हम करे थे, वो देखे ही ना खाए। इतने में जजमान आ बोले गुरु जी मौत तो ही तरह पा है। यजमान आया वो गुरु जी वो तो बैक साइड है, फ्रंट साइड तो ये है। अरे हमने मान लिया यार, कुत्ता भी बहुत विचित्र होते हैं। हम की बाहर में कहा तुम्हें कमाओ, हमें पता ही नहीं चल रहा कि फ्रंट कहाँ है और बैक कहाँ है। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो एक मृगा के संगते भारत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह, जो घर घर प्यार करते उनकी कौन गति। इसलिए भैया गाय माता को घर में पालिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, पर गाय हमारी माता है, गाय माता को घर में रखना चाहिए। कुत्ता तो तुम विदेशी रख रहे, गाय माता देसी नहीं रख रहे।
गाय साधारण नहीं, गाय वही है जिनके पीछे हमारे गोपाल भी भागे हैं, हमारे गोविंद भागे। उन माता को अपने घर पर रखिए, सेवा करिए, उनके चरण पड़ने से, गोमूत्र का छिड़काव होने से घर में कभी भी प्रेत बाधा का वास नहीं होता है।